तो आज हम बात करेंगे लेसन्स फॉर योर ब्रेन के सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है जो भी आपका दिमाग सोच सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। इस लेसन के हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस पॉइंट का नाम है कि आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सोचिए, क्या एक कुत्ता हाथी के बच्चे को जन्म दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक कुत्ता अपने ही बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहें वो सोच सकते हैं और जो चाहें वो पा सकते हैं। आपके दिमाग के सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है। यह कुछ भी कंजीव कर सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए। उसके लिए आप ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया है। आपके दिमाग में आता है कि आपको 10,000 रुपये कमाने हैं, तो आप ज़रूर कमा सकते हैं। ये 10 करोड़ के लिए भी उतना एप्लीकेबल होता है। अगर आपका दिमाग वो चीज़ें सोच सकता है जो वो चाहता है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, अपने दिल को समझाए और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उस विचार को दिमाग में लाना। नेपोलियन हिल एक बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। और वो खुद भी इस बात पर जोर देते हैं, आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ अच्छी के लिए बदल सकती है और कुछ भी अचीव कर सकती है। जब मैं 9th क्लास में था, तब मेरी टीचर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई। अपने सपनों को आसमान की तरफ फेंको, और अब अपने सपनों को कहो कि आपको ऊपर की तरफ खींचें। हो सकता है कि वहाँ तक आप न पहुँचो, लेकिन जहाँ तक आपके सपने हों, लेकिन हाँ, आप कम से कम थोड़ा ऊपर तो उठेंगे। तो अब आप थोड़ा ऊपर उठें और अपने सपनों तक पहुँच जाएं। जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, और यह भी सोचें कि आप उन्हें पा सकते हैं। हम हमेशा अपने सपनों के साथ समझौता करते रहते हैं। एक कैंडिडेट एक इंटरव्यू में जाता है और कंपनी कहती है कि आप किसी भी कीमत पर उन्हें चाहते हैं। वो कैंडिडेट जॉब ऑफर एक्सपेक्ट करता है और बदले में 1 लाख सैलरी की डिमांड करता है। कंपनी वाले उसको 60,000 रुपये देने की बात करते हैं। आपको लगता है कि अगले महीने से उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हो, तो लोग आपको कम में ही सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसे में आपको खुश रहना है लेकिन संतुष्ट नहीं। ठीक ऐसे ही जब आप कुछ बड़ा सोचोगे या करना चाहोगे, तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले, यहाँ तक कि आप खुद का दिमाग आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लोग बोलेंगे कि जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ के उदाहरण आ जाएंगे कि एक आदमी ने ऐसा ही किया था तो उसके साथ ये हो गया, वो हो गया। उनको लगेगा कि कहीं कुछ बड़ा करने के चक्कर में मेरा नुकसान न हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि होना चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में फेल हुआ हूँ, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं लाइफ में आगे ही बढ़ रहा हूँ। मैं अगर एक बार नहीं, कई बार फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं प्रयास करता गया। आज मेरे फैमिली मेम्बर्स एकदम दूसरी तरह से बात करते हैं, क्योंकि मैंने मेरे बारे में उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया है। आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो लोग सोचते या समझते हैं वो प्योर उनके एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होता है। हो सकता है कि आप करना चाहते हैं उसकी कोशिश वो पहल कर चुके हों, लेकिन असफल हो गए हों और इसलिए आपको मना कर रहे हों। वो नहीं जानते कि आप भी फेल होंगे या नहीं। वो आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन इन सभी चक्कर में आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जो मैंने आपको इंटरव्यू वाली बात बताई, उसमें अगर कैंडिडेट 1 लाख रुपये से नीचे काम करने के लिए मना कर देता, तो पॉसिबिलिटी थी कि उसको और ज़्यादा ऑफर दिया जाता, या फिर वह दूसरी जगह नौकरी देखता जहाँ उसे ज़्यादा पैसा मिलता। तो आपको खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमेशा ही बड़ा सोचिए और कभी काम के साथ सेटलमेंट मत कीजिए। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको खुश रहना है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं।
तो दोस्तों इस पॉइंट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रो विद आशीष को। थैंक यू।